Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do Unit 2 Information Processing in Learning and Memory. This is Unit 2 of Block 1, MPC001 Cognitive Psychology, Learning and Memory. Friends, इस चैप्टर में हम ये देखने वाले हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस करता है. इसके ऊपर कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई हैं और उन्होंने अपने अपने पर्सपेक्टिव्स बताए हैं कि किस तरीके से हम किसी इन्फॉर्मेशन को हमारा दिमाग लेता है और उसको प्रोसेस करता है. सो ये एक बहुत फैसिनेटिंग एंड मिस्टीरियस प्रॉपर्टी है ब्रेन की कि कैसे ये इसकी कैपेसिटी कैसे है चीज़ें लर्न करने की और कैसे ये किसी भी एक्सपीरियंस को गेन करके उसके बिहाफ में रेस्पॉन्स तैयार करता है और जो उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स है वो दे पाता है. और जो भी हम नॉलेज अपनी लाइफ टाइम में सीख रहे हैं वो थ्रू आउट लाइफ कैसे वो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में बनी रहती है. सो इसके ऊपर हम शुरू करने जा रहे हैं 2.2 लर्निंग एंड मेमोरी. लर्निंग क्या है एक्चुअली? लर्निंग है जब हम कोई नॉलेज को, नई नॉलेज को एक्वायर करते हैं, मतलब लेते हैं, और क्या कोई बिहेवियर को सीखते हैं या कोई नई स्किल सीखते हैं या कुछ वैल्यूज़ को सीखते हैं या हम किसी चीज़ को समझते हैं और उसको बाकी चीज़ें, बाकी काम करने में यूज़ करते हैं और अलग अलग चीज़ों में लगाते हैं. तो बेंजामिन ब्लूम 1965, इन्होंने 3 डोमेन्स बताए थे लर्निंग के. 3 डोमेन्स में आ जाएगा, फर्स्ट है कग्निटिव, दूसरा है मेमोरी. मेमोरी के फिर सबसेक्शन होंगे सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, और फिर थर्ड जो होगा वो होगा स्कैमास. सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर आप देखें तो. सो हम एक एक करके देखेंगे कि 3 डोमेन जो मैंने बताया, जैसे कग्निटिव, मेमोरी और स्कैमास. और कग्निटिव जो है इसमें भी इन्होंने कुछ कुछ पार्ट बताया, जैसे कि कग्निटिव क्या होता है. कग्निटिव होता है, कग्निटिव में हम क्या पढ़ते हैं अगर लर्निंग के केस में, रिकॉल करना. जब आपने सीखा है कोई चीज़, कोई लर्निंग की है तो आप उसको रिकॉल भी करते हैं. रिकॉल करना मतलब याद करना कि आपने क्या सीखा था. देन कैलकुलेट, कैलकुलेशन भी कग्निशन में आता है. डिस्कस करना उस चीज़ को, वो भी कग्निशन है. किसी चीज़ को एनालाइज करना कि कोई चीज़ कितनी हमने गेन की, कितनी नहीं की, या कोई भी चीज़ को आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सारा कुछ एनालिसिस प्लस माइनस में चेक करना वो. देन प्रॉब्लम सॉल्व करना, ये सब कग्निशन के अंदर आता है. देन साइकोमोटर, साइकोमोटर का मतलब होता है कि मोटर मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं, साइको मतलब ब्रेन. तो ब्रेन और हमारी जो फिजिकल एक्टिविटी है उन दोनों का कॉम्बिनेशन, हम क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं. हम डांस कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, स्कीइंग कर सकते हैं, डाइव, ड्राइव अ कार, राइड अ बाइक, ये सारी चीज़ें साइकोमोटर कैटेगरी में आ जाएंगी. एंड अफेक्टिव, अफेक्टिव मतलब हाउ डू यू रिएक्ट लाइक टू लाइक समथिंग और समवन, लव, अप्रिशिएट, फियर, हेट, वॉरशिप, ये सारी चीज़ें अफेक्ट में आते हैं. हाउ डू यू रिएक्ट, तो आप किसी को प्यार से रिएक्ट करते हो, किसी को गुस्से में रिएक्ट करते हो, आप किसी को पसंद करते हो, किसी को नहीं पसंद करते हो, कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आ जाती है सामान में या किसी और चीज़ में देखें तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं. तो अफेक्टिव का मतलब होता है रिएक्ट करना, टू रिएक्ट. सो ये जो फर्स्ट डोमेन था जिसमें कग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव कैटेगरी आती है, ये डोमेन्स हैं. सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये एक दूसरे में इंटरफेयर करते हैं. मतलब सिर्फ कग्निशन के टाइम पे आप कोई चीज़ रिकॉल कर रहे हैं तो आप उसमें आपका, आपकी हेट भी शामिल हो सकती है ना, और कोई एक्टिविटी भी शामिल हो सकती है कि आप कोई डांस करते हुए कोई चीज़ रिकॉल कर रहे हैं. सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आपस में इंटरफेयर करते हैं. जैसे कि इन्होंने एक बात बताई है कि एक एग्जांपल देके बताया, चेस का गेम. अगर आप चेस का गेम खेल रहे हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, तो आप रूल्स को लर्न करते हैं, कॉग्निटिव डोमेन हो गया. एंड देन उस आप ये भी देखते हैं कि आप कैसे पीसीज को अरेंज करेंगे और कैसे उनको होल्ड करेंगे पीसेस को और कैसे उनको मूव करेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी के मूवमेंट भी शामिल है. तो ये साइकोमोटर आ गया, तो और आपने रूल को भी फॉलो करके उनको रखा है तो ये साइकोमोटर में आ गया. फिर उस गेम को खेलने के बाद आपको कैसा लगा, डिड यू लाइक दैट, तो वो अफेक्टिव डोमेन हो जाएगा. आपको पसंद आया कि नहीं पसंद आया, उसकी एप्लीकेशन आपने लाइफ में कहाँ लगाई और आपने जो अप्रिशिएट की उसकी हिस्ट्री की नहीं की. सो ये कग्निशन, ये तीनों डोमेन्स के बारे में इन्होंने बात करी है.
देन कमिंग टू मेमोरी, मेमोरी कैसे लर्निंग में हेल्प करती है. तो मेमोरी को तीन सेक्शंस में इन्होंने डिवाइड किया है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सेंसरी मेमोरी वो होती है जो हमारे सेंसेस, जो स्टिमुलस है उसको महसूस करती है और उस एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में ट्रांसफर कर देती है. लाइक सपोज आपने कोई चीज़ देखी, कोई पेंटिंग देखी, तो आपने जो देखा है उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में चेंज करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में ही समझता है हर चीज़. ब्रेन ओनली अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन. सो इस वजह से हम जो भी चीज़ सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, हीट या कोल्ड को महसूस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारा जो बॉडी है वो उसको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में चेंज कर देती है. तो ये सेंसरी मेमोरी होती है. लेकिन सेंसरी मेमोरी करती क्या है? सेंसरी मेमोरी उस चीज़ को याद रखती है वैसे के वैसे. आपने किसी, मान लीजिए श्रेया घोषाल का आपने म्यूजिक सॉन्ग सुना, सो उसकी वॉइस जो है आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी. क्यों याद हो जाएगी? क्योंकि वो सेंसरी मेमोरी में है. आप उस वॉइस को अगली बार सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये किसकी वॉइस है. तो दिस इज सेंसरी मेमोरी. किस तरह की वॉइस है वो सेंसरी मेमोरी रखेगी, लेकिन दिमाग उसको तभी समझेगा जब वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में चेंज की जाएगी. तो ये स्पेशली सेंसरी रिसेप्टर सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में जो इसको चेंज करते हैं ब्रेन की को समझने वाली लैंग्वेज में. सो अगर आप 10th में अपने ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो यू वुड हैव रिमेम्बर्ड दैट इसमें इन्होंने बताया है रिसेप्टर्स के बारे में. ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, और भी बहुत सारे होते हैं रिसेप्टर्स. तो ऑल्फैक्टरी सूंघ वाले होते हैं, स्मेल वाले होते हैं, है ना. तो ऐसे वाले जो रिसेप्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इनको इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन में चेंज कर देते हैं और ब्रेन उसको समझ लेता है. सो ये प्रोसेस इस तरह का होता है. अगेन इन्होंने बताया ये जो मेमोरी है बहुत शॉर्ट होती है, यानी कि जो अगर विजन है कोई चीज़ को आप आधे सेकंड तक अपने दिमाग में वैसा का वैसे इंटैक्ट रख सकते हैं, कोई चीज़ कैसी दिख रही है. एंड देन कोई वॉइस है तो उसको 3 सेकंड्स तक आप अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो सेंसरी मेमोरी जो होती है एग्जैक्ट कॉपी रखती है जो भी सुनती या देखती है उसकी. और ये बहुत ज़रूरी है कि उसको आप बहुत अटेंशन, लर्नर जो है वो अटेंड करेगा उस इन्फॉर्मेशन को, तभी वो जाके ट्रांसफर होगी नेक्स्ट लेवल पे. अगर आपने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, सपोज पीछे कोई गाना बज रहा है लेकिन आपका ध्यान है पढ़ाई में, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू लिसन दैट सॉन्ग, क्योंकि आपके पास आपकी प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई. सो आप उसको ध्यान नहीं देंगे, तो यानी कि वो जो साउंड थी वो आपको याद नहीं रहेगी, आपकी मेमोरी में नहीं जाएगी, स्टोर नहीं होगी आके, जब तक कि आप उसको अटेंशन पे नहीं करते. तो दो मेजर कॉन्सेप्ट गेटिंग इन्फॉर्मेशन गेटिंग के जो सेंसरी मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी के लिए ज़रूरी है. सो इन्होंने बताया 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन इनटू शॉर्ट टर्म मेमोरी. तो पहला चीज़ है कि आपका अटेंशन पे करना है उस स्टिमुलस को. जब तक आप उसके पे ध्यान नहीं देंगे वो आपकी मेमोरी में जाके नहीं स्टोर होगी, स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी में. और सेकेंड है, इंडिविजुअल आर मोर लाइकली टू पे अटेंशन इफ द स्टिमुलस एक्टिवेट्स अ नोन पैटर्न. यानी अगर आपने कोई चीज़ पहले ऐसा कुछ हुआ है जिसने आपको बांध के रखा है या आपका ध्यान उसकी तरफ गया है, तो अगली बार भी आपका ध्यान उस पर जाएगा. तो आप उस पर अटेंशन तभी पे करेंगे जब वो आपके इंटरेस्ट की चीज़ है. अगर आपके इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है तो आप उस पर अटेंशन पे नहीं करेंगे. इन दो कंडीशन पे, अटेंशन पे करना और अटेंशन पे तब करना जब ये नोन पैटर्न है, तभी ये स्मॉल शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी. नाउ कमिंग टू शॉर्ट टर्म मेमोरी. शॉर्ट टर्म मेमोरी नाम से पता चल रहा है इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसकी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती. ये लिमिटेड अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन ये एक बार में रख सकती है और सिलेक्टिव अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है, तभी ये सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है कोई इन्फॉर्मेशन. शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है ये स्टोर करती है साउंड्स को वर्ड्स में, वर्ड्स को रिकॉल करने में साउंड का यूज़ करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी. यानी कि वर्ड्स, जैसे कि जब छोटे जूनियर बच्चे होते हैं उनको अगर हम बोल बोल के वर्ड्स सिखाते हैं लाउडली तो वो जल्दी सीखते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो होती है वो वर्ड्स को तभी रिकॉल कर पाती है जब वो साउंड उसके साथ कनेक्टेड हो. और अगर उसके साथ इमेजेस भी आप दिखा सकते हैं, जैसे एप्पल अगर आप फर्स्ट क्लास के बच्चे को सिखा रहे हैं, एप्पल की इमेज भी दिखाएं और ज़ोर से बुलवाएं भी तो उसको याद हो जाएगा. सो ये इसका रीज़न है, दैट इज़ वाई हम इस तरह से पढ़ाते हैं उनको. अगर और ये जो हमारी मेमोरी है शॉर्ट टर्म मेमोरी, वो रैम की तरह काम करती है. कंप्यूटर में रैंडम एसेस मेमोरी होती है, रैम जिसे कहते हैं, जो स्टोरेज करती है कंप्यूटर्स में, उसी तरह का हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी वैसे ही काम करती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी. और ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को डिस्कार्ड कर देती है.
या फिर अगर नेसेसरी है तो उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर देती है। और ये जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वल्नरेबल होती है इंटरप्शन या इंटरफेरेंस के, मतलब कि अगर हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी के बीच में कोई आ गया, जैसे कि मैंने फ़ोन नंबर का एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में कि फ़ोन नंबर अगर आप डायल कर रहे हैं और बीच में किसी ने बोल दिया तो यू विल फॉरगेट रेस्ट ऑफ द डिजिट्स, तो वो इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी के करेक्टरिस्टिक बताई है इन्होंने कि ये लिमिटेड कैपेसिटी होती है, अप टू 7 पीसेज ये इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन के रख सकती है अपने पास। इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे कि 7 मैंने वर्ड्स लर्न कर लिए, 7 मैंने नंबर लर्न कर लिए, 7 मैंने नाम लर्न कर लिए, इस तरह के 7 पीसेस। तो ये मैंने 3 पीसेस का एग्जांपल दे दिया। सो इस तरह से ये 7 पीसेस इंडिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन रख सकती है। ब्रीफ ड्यूरेशन जो होता है इसका वो होता है 3 to 20 seconds तक, और डिके होना शुरू हो जाता है, मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है उसके बाद। ये तो फिलहाल ठीक है, आपको आना चाहिए क्योंकि हो सकता है लर्निंग एंड मेमोरी के ऊपर पूरा एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। इसमें बहुत सारे डाटा दिया हुआ है एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रैक्टिकल उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मिलर्स मैजिक नंबर इज़ डैम इम्पॉर्टेंट। इसमें देखिए स्टार भी बना हुआ है, और मिलर जो थे जॉर्ज मिलर ने 1956 में ये बताया था कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हम रिमेम्बर कर सकते हैं एक्सपोजर, जब हमें एक्सपोज किया जाता है उस इन्फॉर्मेशन से, तो वो हम 5 से लेकर 9 आइटम्स एक बार में कर सकते हैं, और डिपेंड करता है वो इन्फॉर्मेशन कैसी है। अब डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है, डिपेंडिंग अपॉन द इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि अगर आप पहले इस चीज़ को पहचान गए, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको पहले से कुछ पता है, तो आप ज़्यादा चीज़ें उसको, मतलब 9 आइटम उसके बारे में आप रिटेन कर सकते हैं मेमोरी में। लेकिन आप बिल्कुल ही लेमैन है, सपोज मैं कुछ ऐसे टर्म्स लूँ जो आपने कभी इससे पहले सुना ही नहीं है वर्ड, तो आप क्या 7 9 ही लर्न कर पाएंगे, आप उसके 5 आइटम ही लर्न कर पाएंगे, जैसे कि डर्मेटोलॉजी, फिर एंडोक्राइनोलॉजी, तो इस तरह के जो वर्ड्स हो गए जो आपके इन्फॉर्मेशन के अगेंस्ट है, आपने कभी इससे के बारे में कुछ सुना नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी 9 आइटम्स लर्न करने में। लेकिन अगर आपने इससे पहले ये चीज़ें सुनी है तो आपको याद रह जाएंगी। सो इसीलिए इन्होंने बोला डिपेंडिंग ऑन द इन्फॉर्मेशन। सो इन्होंने बताया है मिलर ने कि जो अप्लाइंग अ रेंज ऑफ +2 and -2 द नंबर 7 बिकम्स नोन एज मिलर्स मैजिक नंबर। 7 को हम मिलर्स मैजिक नंबर कहते हैं क्योंकि 7 में अगर 2 माइनस करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, 7 में 2 प्लस करेंगे तो आपको 9 आइटम्स मिलेंगे। तो +-2 का अगर हम रेंज लेके चलते हैं 7 के साथ, तो 7 वुड बी द मिलर मैजिक नंबर, मतलब कि हर कोई 7 चीज़ें रिटेन कर सकता है। सो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह सकती है एक टाइम पे। मिलर ने ये खुद ही स्टेट किया था मैजिक नंबर के बारे में, एक ही एस्पेक्ट के बारे में इन्होंने बात की थी, जैसे कि इन्होंने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात की है कि ऑडिटरी टोन, इन्होंने क्या किया, कुछ ऑडिटरी टोन सुनाई गई जिनकी अलग अलग पिच थी, पिच अलग अलग होना मतलब कि तीखापन अलग अलग होना आवाज़ का, सो कोई ज़्यादा मोटी पिच थी, कोई पतली पिच थी, इस तरह से। सो ऐसी अलग अलग पिचेस सुनाई, और हर एक जो टोन थी वो सेपरेटली दिखाई गई, और जो लोग थे जिनके ऊपर हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे मिलर, उन्होंने उनको बोला कि आइडेंटिफाई करो तुमने कौन सी वाली टोन सुनी थी। तो 5 और 6 टोन्स तक तो उन्होंने अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि ये वाली टोन हमने सुनी है, और उसके बाद दे स्टार्टेड गेटिंग कन्फ्यूज होना शुरू हो गए कि भाई ये कौन सी थी ट्यून करके। तो उनको ये इन्होंने जजमेंट दिया कि हम सिर्फ 5-6 ही एक बार में इंफॉर्मेशन एक चीज़ की रख सकते हैं, और ऐसे ही उन्होंने नंबर के साथ भी किया तो वो भी सही निकला। सो इसमें आगे इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है टोन के अलावा, ह्यूमन फेसेस को हम याद रख सकते हैं, लेकिन ह्यूमन फेसेस के बारे में अगर हमसे हेयर कलर, हेयर स्टाइल, शेप ऑफ द फेस, फेशियल हेयर, ये सब पूछे तो ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा याद रखना। फ़ोन नंबर के टाइम पे भी ऐसे ही होता है, फ़ोन नंबर को जो हम याद करते हैं या तो हम 2-2 के चंक्स में उसको ब्रेक करके लर्न करते हैं या 3-3 के चंक्स में लर्न करते हैं। सो इस तरह से अगर कोड भी लगा है किसी पर्टिकुलर एरिया का तो उसको मिला के 10 नंबर्स होते हैं, 10 डिजिट का फ़ोन नंबर बन जाता है। सो आजकल तो 8 से लेकर 10 डिजिट्स के ही होते हैं सबके फ़ोन नंबर। सो उनको लर्न करने का तरीका यही है कि आप उनको चंक्स में लर्न करें, 3-3, 2-2। सो जहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल चीज़ें होती है लर्न करने की, तो हमें इस तरह से करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी
मेमोरी के थ्री बेसिक ऑपरेशन इन्होंने बताया है. एक है आइकॉनिक मेमोरी. आइकॉनिक मेमोरी आइकन आइकन नाम से समझ में आ रहा है, ये देखने वाली चीज़ है. तो ये विजुअल इमेज की जो हमारी जो एबिलिटी होती है देखने वाली चीज़ों को रखना अपनी मेमोरी में, उसको बोलते हैं एबिलिटी टू होल्ड विजुअल इमेजेस. ये आधे सेकंड तक रख सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पीछे दिया था, मैंने बताया भी था जब मैं समझा रही थी आपको, ये रहा यहाँ पे जहाँ मेरा थंब है. फिर एकॉस्टिक, एकॉस्टिक वर्ड आता है साउंड के लिए. एकॉस्टिक मेमोरी होती है कि हम साउंड की, साउंड को अपने दिमाग में रखने की कैपेसिटी, हम कितनी देर तक किसी साउंड को अपने दिमाग में रख सकते हैं. तो एकॉस्टिक मेमोरी जो होती है वो आइकॉनिक मेमोरी से ज़्यादा होती है, 3 सेकंड की होती है. फिर वर्किंग मेमोरी की बात की है. शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. ये बहुत ध्यान से सुनिएगा पैराग्राफ, क्योंकि ये कॉन्शियस मेमोरी के बारे में फिर आगे भी आएगा, तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज कि अरे ये इतने सारे नाम कहाँ से आ गए, हमने तो पढ़े ही नहीं. तो ये तो है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को ही हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं एंड कॉन्शियस मेमोरी भी कहते हैं, और ये थिंकिंग के ऊपर बेस्ड होती है. आप क्या सोच रहे हैं, किस तरह से एक्ट करेंगे, ये सारा हमारी वर्किंग मेमोरी ही करती है. हम किस पे अटेंशन पे करेंगे बाहर के, और हमारे इंटरनल थॉट्स कैसे होंगे, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, ये सब इंटरनल, ये वर्किंग मेमोरी में ही चलता रहता है. और कब हम ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको हम यूज़ में लाएंगे, ये सब वर्किंग मेमोरी का काम है. नाम से पता चल रहा है वर्किंग मेमोरी मतलब जो वर्किंग में यूज़ हो रही है एट प्रेजेंट. कमिंग टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये परमानेंट स्टोरेज इन्फॉर्मेशन करती है, मतलब परमानेंटली इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है. और इसको, ये जो भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर कर देती है. और लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब ट्रांसफर करती है तो वो इन्फॉर्मेशन को वो एनकोड कर देती है, सो दैट वो कोडिंग के फॉर्म में स्टोर हो जाए. और उसके और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ये कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ला सकती है. और शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करती है, एनकोड करती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेज देती है. लॉन्ग टर्म मेमोरी हमेशा कोडेड इन्फॉर्मेशन ही रखेगी अपने पास. और खास तौर से लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से स्टोर हो जाती है जिसमें हमारा इमोशनल कंटेंट है या फिर मीनिंगफुलनेस है. आप देखें जिससे आपके ज़्यादा इमोशंस जुड़े रहते हैं इंसानों से या फिर कोई ऐसी चीज़ों से, सपोज यू हैव गॉट डिग्री एंड यू गॉट यू टॉप्ड, सो आपको वो वाली मेमोरी बहुत अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके स्टोर होगी. आपको एक एक चीज़ याद रहेगी उस चीज़ की, आपने क्या पहना था, कैसे गए थे, किसने आपको अटेंड किया था, कितनों ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया था. तो ये जिसमें आपके इमोशंस जुड़े होते हैं या मीनिंगफुल होती हैं वो चीज़ें लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत टाइम तक रिटेन रहती हैं इंटैक्ट. इसीलिए जब हम लर्निंग करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फॉर्मेशन के साथ कोई ऐसी चीज़ अटैच करके पढ़े. इसीलिए बच्चों को जब हम लर्न कराते हैं तो फ्रूट्स पहले बताते हैं एंड फ्रूट्स में फिर सब कैटेगरीज बताते हैं, सो दैट उनको याद रहे चीज़ें. लॉन्ग टर्म मेमोरी और क्या करती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी ये भी करती है कि जो ब्रेन है चंकिंग होती है उसमें. तो चंकिंग मतलब कि एक तरह की इन्फॉर्मेशन को एक ही कैटेगरी में डालते जाना. यानी आज आपने कुछ पढ़ा कॉग्निशन के बारे में, कल आप कुछ और पढ़ेंगे, तो आज और कल की इन्फॉर्मेशन एक ही कॉग्निशन में जाके स्टोर हो जाएगी. सो दैट जब आप कॉग्निशन के बारे में सोचेंगे तो आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपने कॉग्निशन के बारे में आज पढ़ी थी, एक साल पहले पढ़ी थी या एक साल बाद पढ़ेंगे, वो सब एक साथ इकट्ठी हो जाएगी और उनको इंटरलिंक करके यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में चंकिंग के फॉर्म में रहती हैं, चंक ऑफ मेमोरी, सो दैट हम अच्छे से याद रख सकें और अच्छे से लर्न रहे हमें. ऐसे ही जो नॉलेज होती है जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होती है वो हमारे दुनिया के बारे में क्या हमारा परसेप्शन है, हम दुनिया के बारे में कैसा सोचते हैं वो भी अफेक्ट करती है, क्योंकि हम जो हमने एनवायरनमेंट से इन्फॉर्मेशन ली है वो उस चीज़ को इन्फ्लुएंस करेगा. लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है नॉलेज को, नई नॉलेज को अटैच करने के लिए. शॉर्ट टर्म मेमोरी में ऐसा कुछ नहीं होता और लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत लंबे टाइम तक रहती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी को तो लिमिटेड होता है. स्कैमा के बारे में बात करें तो स्कैमा जो है एक मेंटल मॉडल है पूरे वर्ल्ड का, और ये इन्फॉर्मेशन जो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी में होती है वो स्कैमास आप समझ लो ऐसा है जैसे कि अलमारी में जो शेल्फ्स होते हैं, अलमारी के शेल्फ्स, तो हर एक शेल्फ में कुछ ना कुछ आप कपड़े डाल के रखते हैं, सामान डाल के रखते हैं, तो वैसे ही हमारा जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो स्कैमास में कुछ कुछ
इन्फॉर्मेशन डाल के रखता है, और ये अगर कोई दो चीज़ें कनेक्टेड हैं तो वो आपस में कनेक्शन भी क्रिएट हो जाता है, न्यूरल कनेक्शन. तो जब आप एक कॉलम से या एक स्कैमा से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड जो भी नेटवर्क्स होंगे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, और आप उन सबको कोरिलेट करके पूरी इन्फॉर्मेशन को रिगेन कर सकते हैं. तो इस तरह से हमारा स्कैमा काम करता है. सी हाउ गुड इट इज़. सो ये पूरा इस पैराग्राफ में इन्होंने यही दिया है. ये बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हो रही है एंड वीडियोज़ आर टू बिग, बट आई फील कि दे आर हेल्पिंग यू अ लॉट. सो लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में अगेन हम आगे देखें तो ये एक डिज़ाइन के फॉर्म में अटैच होता है. सारी चीज़ें जो भी स्कैमर्स होते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती है. और इन्होंने ये टॉप डाउन के बारे में बात किया है, मतलब टॉप पे हमारी पुरानी इन्फॉर्मेशन है, डाउन मतलब नीचे वाली इन्फॉर्मेशन है जो नई आई है रिसेंटली. तो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी इन्फॉर्मेशन एक तरीके से स्टोर्ड होती है, और ये फिर से जो भी हम सीखते हैं वो रिफ्रेश करता जाता है हमारी इन्फॉर्मेशन को. सो वैसे ही है कंप्यूटर पे, जैसे होता है आप स्क्रीन को रिफ्रेश कर देते हैं तो नई इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पे आ जाती है, उसी तरह से हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी भी काम करती है. हम जो भी इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं अपने माइंड में तो वो रिफ्रेश होती जाती है, और जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं अब किसी चीज़ के लिए, तो वो सारी की सारी ऊपर से लेके नीचे तक, पुरानी से लेके नई इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बाहर आ जाती है. सो इसका हम एडवांटेज ले सकते हैं. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. इसमें ये वाला कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन है तो मैं इसको थोड़ा सा स्किप करूँगी. इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होता है, तो इन्होंने बताया है जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोसेस करना इस मैनर पे जिसे हम डिटेक्ट कर सकें देख कर. सो इसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं. इट मीन्स उसको ढंग से रखना, उसको संभालना, उसको समझना, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कहते हैं. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग इस पे स्टार है, दिस इज इम्पॉर्टेंट वन. सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम जो हॉट ने बताए थे 2000 में, उसके बारे में बात करेंगे. इसमें स्टार है यानी एग्जाम में आ चुका है. तो फर्स्ट इन्होंने बताया था द एजम्पशन ऑफ ए लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द मेंटल सिस्टम. ये हमने एज्यूम किया है कि हमारे मेंटल सिस्टम की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, और कुछ ही अमाउंट ऑफ इन्फॉर्म, इसका मतलब यह है कि जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो प्रोसेस की जा सकती है सिस्टम में वो कंस्ट्रेंड होती है किसी इम्पॉर्टेंट वे में, यानी कि एक बॉटलनेक है, रिस्ट्रिक्शंस है इन्फॉर्मेशन के फ्लो होने में और प्रोसेसिंग में. और ये स्पेसिफिक पॉइंट पे ऐसा होता है, ये हमेशा नहीं होता. मतलब कि हमारे मेंटल सिस्टम की लिमिटेड कैपेसिटी है किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की. कभी कभी हम इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं कर पाते, हम ये बॉटलनेक होता है, मतलब रिस्ट्रिक्शन, आड़े आ जाना किसी चीज़ का वैसा. सेकंड प्रिंसिपल ये कहता है कंट्रोल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू ओवरसी द एनकोडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. यानी हमारा जो पूरा प्रोसेसिंग कैपेसिटी है सो वो अकेले नहीं काम करती, हमारे को एक कंट्रोल मैकेनिज्म की जरूरत होती है ये सारी चीजें करने के लिए. सो एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन की जरूरत होती है जो ये पूरा प्रोसेस देखे कि कैसे हमने इन्फॉर्मेशन ली है, कैसे वो ट्रांसफॉर्म हुई है, कैसे कहाँ स्टोर हुई है, और कैसे वो रिट्रीव करेगी. सो और उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, तो वो उसको एग्जीक्यूटिव फंक्शन कहते हैं. सो अगेन हम आगे देखें तो थर्ड प्रिंसिपल कहता है देयर इज टू वे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन एज वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. हमेशा दो तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन फ्लो के, एक होता है बॉटम अप प्रोसेस और एक होता है टॉप डाउन. बॉटम अप होता है कि इन्फॉर्मेशन दैट वी गैदर थ्रू द सेंसेस, जो हम अपनी इन्फॉर्मेशन सेंसेस से इकट्ठी करके रखे हैं उसको बोलते हैं बॉटम अप प्रोसेसिंग. और जो इन्फॉर्मेशन वी हैव स्टोर्ड इन मेमोरी, जो हमने अपनी मेमोरी में स्टोर किया है वो टॉप डाउन प्रोसेसिंग होता है. तो हम एनवायरमेंट से क्या सेंस कर रहे हैं और हमारी मेमोरी में क्या चीज़ें हैं, इन दोनों को कोरिलेट करके ही हम पूरी दुनिया का एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं. हम दुनिया के बारे में अपने आइडियाज़ बनाते हैं और हम वैसे ही रिएक्ट करते हैं जब हमारे साथ कोई भी चीज़ें होती हैं या हम किसी इंसिडेंट से गुजरते हैं. सो इसमें दो चीज़ें लगती हैं, एक तो होता है डिडक्टिव रीजनिंग और एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग. सो इंडक्टिव रीजनिंग होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना एंड देन कंक्लूजन निकालना, है ना. एक जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पढ़ना हो, मेरे पास 5 बुक्स हैं उसके ऊपर, तो मैं 5 बुक्स निकालूंगी, उनमें से वो टॉपिक को खोलूंगी, पढ़ूंगी एंड देन आई विल इंड्यूस इन्फॉर्मेशन. तो दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव रीजनिंग इसका उल्टा है. सपोज मुझे एक पर्टिकुलर वर्ड
चाहिए और वो पांचों बुक उस टॉपिक से रिलेटेड है, बट मुझे पांचों में से सिर्फ एक में मिला, तो मैं एक एक बुक उठाऊंगी, उसमें उस वर्ड को ढूंढूंगी, मुझे नहीं मिलेगा तो मैं हटाती जाऊंगी। तो इसको बोलते हैं डिडक्ट करना, हटाते जाना, तो उसको बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। सो इस प्रिंसिपल से दोनों को यूज करेंगे। तो इसमें जो इंडक्टिव था उसमें होता है स्पेसिफिक इंस्टेंसेस टू अ जनरल कंक्लूजन। सो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट से हम एक कॉमन कंक्लूजन निकालते हैं, और जो डिडक्टिव होता है उसमें जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक वाला करना। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन जेनेटिकली प्रिपेयर्ड टू प्रोसेस एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन इन स्पेसिफिक वे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है कि हमारी जो ह्यूमन ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारों के अंदर एक इनबॉर्न कैपेसिटी होती है, कोई इन्फॉर्मेशन को किस तरह से लेना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है इन्फॉर्मेशन को एक स्पेसिफिक वे में। जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है, वो पैदा होता है या इन्फेंट होता है, तब उसको सिर्फ बैबल और कू ये सब करना ही आता है ना, चाहे वो कहीं का भी हो, एशिया का है, यूरोप का है, कहीं का भी है, वो चाहे उसके फैमिली वाले कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन वो यही करेगा, हर एक बच्चा यही बैबलिंग ही करेगा, कूइंग ही करेगा। सो वो कह रहे हैं कि बेसिक जो चीजें होती है हमारे जीन्स में वो ऐसी है जो सब लोग करेंगे, चाहे वो कहीं भी बैकग्राउंड के हो। नाउ कमिंग टू अनदर टॉपिक, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड लर्निंग एंड मेमोरी। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैसी होती है, जहां हम लर्न करते हैं, एंड मेमोरी कैसे हमारी एक्ट करती है। सो इन्होंने ये सेचटर एंड टलविंग का बताया है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगी। मेमोरी सिस्टम जो है वो डिफाइन करता है, इन्होंने क्या लिखा है वो मैं रीड कर देती हूँ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में है, आई कैन नॉट मैनिपुलेट दीज वर्ड्स। जो भी अगर कोई इससे स्टेटमेंट होते हैं उनको हमें वैसा का वैसे ही लिखना होता है। अ मेमोरी सिस्टम इज डिफाइन इन टर्म्स ऑफ इट्स ब्रेन मैकेनिज्म। कोई भी मेमोरी सिस्टम जो है उसको डिफाइन करते हैं हम ब्रेन मैकेनिज्म से, द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन इट प्रोसेसेस एंड द प्रिंसिपल ऑफ इट्स ऑपरेशन। किस तरह की इंफॉर्मेशन वो प्रोसेस करता है और कौन से प्रिंसिपल पे वो ऑपरेट करता है। सो वी विल प्रोसीड लाइक दिस ओनली, जब तक कि इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आता है। एलियास स्मिथ डिफाइन करते हैं लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में। डिफाइंस मेमोरी एज द जनरल एबिलिटी और द फैकल्टी दैट अनेबल्स अस टू इंटरप्रेट द परसेप्चुअल वर्ल्ड टू हेल्प ऑर्गेनाइज रेस्पॉन्सेज टू चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वर्ल्ड। तो मेमोरी वो एबिलिटी है जो हमें हेल्प करती है वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको हम कैसे परसीव करेंगे और कैसे हम रेस्पॉन्स करेंगे। फिर विन एंड सिंडर, इन्होंने भी बताया है मेमोरी जो है इज ऑर्गेनाइज इन स्ट्रक्चर्स टू वर्क ऑफ श्री फ्रेडरिक चार्ल्स बार्टलेट। बार्टलेट का नाम पिछले चैप्टर में भी आया था। सो इन्होंने बार्टलेट के बारे में बताया, बार्टलेट जो हैं उन्होंने एस्टेब्लिश किए थे दो कंसिस्टेंट पैटर्न्स रिकॉल करने के। एक उन्होंने बोला था मेमोरी जो है इज इनएक्यूरेट, बिल्कुल सही सही नहीं काम करती है मेमोरी। और सेकेंड फाइंडिंग उनकी ये थी जिसकी वजह से रिवॉल्यूशन आया था, उन्होंने बोला था कि सजेस्टेड दैट द इनएक्यूरेसी ऑफ मेमोरी इज सिस्टमैटिक, और इनएक्यूरेसी जो होती है वो सिस्टमैटिक होती है। सो ये दो चीज़ें थी जो बैरेट ने बताए थे। सो इनएक्यूरेसी जो मेमोरी में है वो इसीलिए है क्योंकि जब हम नई चीज़ें सीखते हैं तो हमें एक्यूरेटली नहीं पता चलता किसी नॉलेज के बारे में, लेकिन जब हम धीरे धीरे उस चीज़ को प्रैक्टिस में ले आते हैं तो वो सिस्टमेटिक वे में बढ़ती जाती है हमारी मेमोरी, और हम उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। कॉग्निटिव इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल CIP ऑफ लर्निंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ गॉट स्टार। सो इन्होंने ये वर्किंग मेमोरी के बारे में बात किया है। तो ये जो मॉडल है ये कहता है कि लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ वर्किंग मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्किंग मेमोरी जो होती है ये बहुत सारा बर्डनड हो जाती है अगर उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वर्किंग मेमोरी में डाल दी जाए। प्रोसेसिंग, इनकमिंग इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग, फिर उसको ट्रांसफ़र करना उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में, फिर उसको रिट्रीव करना लॉन्ग टर्म मेमोरी से। रिट्रीव मतलब निकालना, टेकिंग आउट। सो अगर आपको रिट्रीव वर्ड याद नहीं होता तो आप टेकिंग आउट भी लिख सकते हैं, टेकिंग आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो ये तीन तरह के काम ये वर्किंग मेमोरी एक साथ करने लगती है, तो इस वजह से इसको ओवरलोड हो जाता है, जिसको बोलते हैं कॉग्निटिव लोड। कॉग्निटिव लोड इसका बढ़ जाता है मेमोरी के ऊपर। फिर इन्होंने आगे बोला है, मैंने जो सेक्शंस डार्क किए हैं वही सेंसिबल थे, बाकी इन्होंने समझाने का काम किया। अगर आपको मेरा समझाया समझना है तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा ये।
प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है. जब हम प्रोसेस जब ये मेमोरी प्रोसेसिंग करती है तो क्या करती है, वो एनकोडिंग करती है. एनकोडिंग मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करती है और उसको रिप्रेजेंट करती है. रिप्रेजेंट मतलब वो किस किस कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है, कहाँ जाएगी, एंटरटेनिंग है या कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप किस तरह से सोचते हो उस हिसाब से एनकोडिंग होती है हमारी मेमोरी में. फिर स्टोरेज, कहाँ इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा, स्मॉल शॉर्ट टर्म में लगाना रखा जाएगा कि लॉन्ग टर्म में रखा जाएगा, या उसको कौन से स्कैमर में रखा जाएगा. देन रिट्रीवल, गेटिंग इन्फॉर्मेशन व्हेन नीडेड, अब वो उसको निकाला कैसे जाएगा, कहाँ से निकाला जाएगा, ये सब वर्किंग मेमोरी हमारा काम करती है. सो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो गाइडेड होता है कंट्रोल प्रोसेस से, जो ये बताता है हाउ एंड व्हेन इन्फॉर्मेशन विल फ्लो थ्रू द सिस्टम, कैसे और कब इन्फॉर्मेशन फ्लो होगी सिस्टम से. नेक्स्ट टॉपिक, अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इसमें स्टार है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. कैसे मेमोरी डेवलप होती है और कैसे इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है. सो मैं ये थोड़ा सा सीधे यहाँ पे आऊँगी जो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से हमें लर्न करना शुरू करना होगा मेमोरी का डेवलपमेंट एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग. फर्स्ट है एनकोडिंग, ये भी आप रीड कर सकते हैं कि इन्होंने बस यही बताया, ब्रेन चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय बायोलॉजिकल मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस. हमारा ब्रेन मैच्योर होता है, चेंज होता है जब बायोलॉजिकल मैच्योरेशन होता है, मतलब जब हम बड़े होने लगते हैं और अपने एक्सपीरियंसेस से ब्रेन हमारा ब्रेन में चेंजेस आते हैं. इंक्रीज प्रोसेसिंग कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी एज अ रिजल्ट ऑफ बोथ मैच्योरेशन एंड नॉलेज डेवलपमेंट. जो हमारी अगर प्रोसेसिंग कैपेसिटी, आपने देखा होगा कुछ लोग बड़े जल्दी जल्दी कैलकुलेशंस कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते, वो इसीलिए क्योंकि उनकी एक तो वो मैच्योर हैं और दूसरा उनकी नॉलेज डेवलपमेंट बहुत हुआ है, दोनों चीज़ें हैं, उन्होंने अपनी नॉलेज गेन की है, इस वजह से वो जल्दी कर लेते हैं आपसे फास्ट अगर आपके एज ग्रुप के कुछ काम कर रहे हैं. सो ये चीज़ दी थी फ्रेवल एटल. फ्रेवल एटल ने इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिए थे इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के. सो इसी के बारे में मैं बात कर रही हूँ. और इन्होंने ये भी बताया है कि मॉडिफिकेशंस जो होते हैं न्यूरल नेटवर्क के कनेक्शंस में वो भी होते रहते हैं टाइम टू टाइम, और न्यू कॉन्सेप्ट्स जैसे ही अराइज होते हैं तो ये सेल्फ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं चेंजिंग एनवायरमेंट के हिसाब से. जैसे ही एनवायरमेंट चेंज हुआ उसकी डिमांड के हिसाब से नए ऑर्गेनाइजेशन नए तरीके से वो ऑर्गेनाइज हो जाती है इन्फॉर्मेशन. कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एंड मेटा कॉग्निशन की. फिर अब हम पढ़ेंगे कि मेमोरी एंड इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का डेवलपमेंट के बारे में. जैसे एनकोडिंग की बात करें तो एनकोडिंग होता है ये सबसे इनिशियल प्रोसेसिंग होती है जब हम स्टिमुलस की. जैसे आपको आपने कुछ स्टिमुलस मिला, लाइक सपोज यू गॉट सम ठंडी हवा, तो ठंडी हवा इज ए स्टिमुलस, तो वो इनिशियल प्रोसेसिंग होगी, इसकी कोडिंग होगी पहले जाके कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या हुआ है आपके साथ, तो आपके ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंच जाएगा. देन मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस दिस प्रोसेस. जो एनकोडिंग है, जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाते हैं और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, ये एनकोडिंग का प्रोसेस पे भी असर पड़ता है उस चीज़ के. इन्होंने बताया है कि कैसे एडल्ट कैपेसिटी शॉर्ट टर्म मेमोरी की बढ़ती जाती है, 7 तक पहुँच जाती है, और कैसे जब 2 डिजिट ही छोटे बच्चे लर्न कर पाते हैं, है ना, जो 5 साल के होते हैं, फिर 9 ईयर्स के बच्चे होंगे वो 6 डिजिट तक लर्न कर पाएंगे. तो इन्होंने बताया कि एज के साथ साथ हमारी एनकोडिंग कैपेसिटी बढ़ती है. देन स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग की बात कर रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन की जब स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइज करते हैं हम, ये लर्नर प्रोसेस एज द लर्नर प्रोसेस एंड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन. तो ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है. स्ट्रक्चरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन अक्कर एज द लर्नर प्रोसेसेस एंड स्टोर्स इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी कर इन्फॉर्मेशन जो भी स्टोर्ड होती है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है, वो सब हमारा दिमाग करता है. और लर्नर की जो एबिलिटी होती है टाइम के साथ साथ बदलती जाती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस और मैच्योरेशन बढ़ता है. मतलब कि इन सब में ये लोग एक डायलॉग ही दे रहे हैं कि मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ें इम्प्रूव होती हैं. सो इन्होंने एक एग्जांपल्स भी दिए हैं यंग चिल्ड्रन के साथ, जब अगर वो रिहर्स नहीं करते किसी इन्फॉर्मेशन को तो वो याद नहीं रख पाते. तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चों को ये चीज़ सिखाई जाती है, रिहर्सल करवाई जाती है, इस वजह से दे आर एबल टू रिकॉल एंड मेंटेन दैट इन्फॉर्मेशन. फिर थर्ड है स्टोरेज एंड रिट्रीवल. कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर है और कितनी स्टिमुलस के अगेंस्ट हम रिट्रीव करेंगे टाइम के साथ ये भी बदल जाता है.
जैसे इन्होंने बताया है कि 7 मंथ का बच्चा जो है वो ऑब्जेक्ट को देखेगा और ऑब्जेक्ट उसके सामने से हटा दी जाएगी तो उसको पता भी नहीं होगा, उसको याद भी नहीं रहेगा कि क्या हटाया गया है, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होगा तो वो ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगी, मतलब कि ऑब्जेक्ट उसके सामने से हट जाएगी तो भी उसको वो ऑब्जेक्ट मेमोरी में रहेगी और वो ढूंढेगा इधर उधर। सो ये चीज़ें होती है। फेयरवेल एटल जो है उसने 4 ऑब्जर्वेशन दिए थे स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के, और इन्होंने बताया कि जो स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होती है ये लीनियर नहीं होती, ये कभी कभी बीच में हमारी जो कैपेसिटी होती है वो कम भी हो जाती है और उसके बाद सिस्टमेटिकली अपने आप करेक्ट भी हो जाती है। फिर इन्होंने बताया था स्ट्रेटेजी कंटिन्यू होगी पूरे लाइफ लॉन्ग, ये चलती रहती है डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी, हमारी जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्ट्रेटेजी है ये चलती रहती है। फिर जो बच्चे होते हैं वो बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं अपनी स्ट्रेटजीज चेंज करने के लिए और बहुत अच्छे से काम भी कर लेते हैं। बच्चों में जो होती है ये एबिलिटी डिफर करती है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज की, वो सारे बच्चे एक तरीके से नहीं सीखते, वो अपने अपने तरीके से सीखते हैं। नाउ कमिंग टू थ्योरीज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे क्योंकि ये इन्होंने सिर्फ छोटा सा डाटा दिया है कैसे क्या है, सो मैं ये वाला सेक्शन स्किप करूँगी। मैं जाऊँगी सीधे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, इट हैज़ गॉट स्टार, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगेन इन्होंने बताया इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है उसको 6 लेवल पर क्लासीफाई किया जा सकता है। ब्लूम एटल जो है वो 1965 में उन्होंने ये बताई थी कॉग्निटिव डोमेन्स की, तो इसके 6 डोमेन इन्होंने बताए हैं। फर्स्ट 6 डोमेन बताया मतलब ये एक प्रोसेस है एक के बाद एक होने वाला। तो फर्स्ट लेवल इन्होंने बताया नोइंग, सिंपली जो लर्नर है वो क्या करेगा, वो रिपीट करेगा, कोई भी चीज़ सुनेगा उसको रिपीट बैक करेगा, तो इसमें बहुत कम मेहनत लगती है, लिटिल एलेबोरेशन होता है इसमें। सेकंड लेवल जो होता है वो कॉम्प्रिहेंशन होता है, जिसमें हमें कुछ अपने पुरानी इन्फॉर्मेशन को भी रिकलेक्ट करना होता है और नई जो इन्फॉर्मेशन सीखी है उसमें कंबाइन करना होता है, और मे बी इसमें स्टूडेंट जो है उनको समराइज करना पड़ेगा और पैराफ्रेजिंग करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन को, वो जो बच्चे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो थर्ड लेवल है, थर्ड और फोर्थ को इन्होंने एक साथ दिया है, ये देखिए मैंने साइड में नंबर भी डाले हुए थे, ये इटैलिक्स में लिखा है, अगर आप देखें तो देखिए डिज़ाइन अलग है, उससे पता चल जाता है कौन कौन से डोमेन्स बताए हैं। आई बिलीव कि इनको पॉइंट वाइज देना चाहिए था बट व्हाट टू डू, ऐसा होता है। एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, तो एप्लीकेशन थर्ड है, इन्होंने एप्लीकेशन का अलग से यहाँ पे दिया है। एप्लीकेशन जो होती है उसमें ये कंसेप्ट्स प्रिंसिपल, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना उसके प्रिंसिपल लर्न करते हैं, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने देखा था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की एप्लीकेशन क्या थी कि हम लैक्टोमीटर में यूज़ कर सकते हैं, दूध में कितनी मिलावट है वो चेक कर सकते हैं, हाइग्रोमीटर में चेक कर सकते हैं, पानी की डेंसिटी चेक कर सकते हैं, है ना। सो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन, तो वो जो इन्होंने सीखा है उसको अपने रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई करना है वो। फिर एनालिसिस इन्वॉल्व करता है अंडरस्टैंड करना रिलेशनशिप का सारे पार्ट्स के बीच में, कोई चीज़ किस तरह से रिलेटेड है और वो कैसे ऑर्गेनाइज होंगी, ऑर्गेनाइज होकर कैसे होल बनाएगी। जैसे सपोज मैंने बहुत सारे पीसेस दे दिए किसी आर्ट वर्क के और मैंने बोला इसको ज्वाइन करके एक सीनरी बना दो, तो वो एनालाइज करेंगे कि कौन सी शेप किससे ज्वाइन होगी और कैसे ये सीनरी बनाएगी, तो उसको एनालिसिस कहते हैं। एंड देन उसके बाद 5th एंड 6th डोमेन्स हैं, वो है सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। सिंथेसिस होता है कि सारे पार्ट्स और कंपोनेंट्स को एक साथ रख के एक जैसे पहले वो पूरी इन्फॉर्मेशन तैयार हो जाए उस तरह से बना देना, पूरा एज अ होल पिक्चर तैयार कर देना। और इवेल्युएशन मतलब प्रोसेस ऑफ मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन टू ए स्टैंडर्ड, कि हम फिर इवेल्युएट करेंगे कि हमने कितना सही बनाया है ना। तो हम ऐसे ही तो करते हैं, कोई नई चीज़ सीखते तो पहले हम छोटी छोटी चीज़ें सीखते हैं, फिर उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम देखते हैं इसको यूज़ कहाँ करेंगे, यूज़ करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने क्या सही से यूटिलाइज़ किया है इसको, और उसके बाद हम जब ये समझ जाते हैं हम सही से कैसे यूटिलाइज़ करेंगे तो हम उसको वाकई यूटिलाइज़ करना शुरू करते हैं, एंड उसके बाद हम इवेलुएट करते हैं क्या हमने ये सही से किया या कुछ गड़बड़ भी हो गई। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग्स इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। स्टर्नबर्ग ने जो कहा था, स्टर्नबर्ग जस्ट ब्लूम्स का उल्टा बोलते हैं, स्टर्नबर्ग कहते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है स्किल, ये स्किल बेस्ड होती है और ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई स्टेजेस नहीं होती है, कोई डोमेन नहीं होते जैसे कि ब्लूम ने बोला, तो स्टर्नबर्ग कहते हैं ये पूरा कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग का और डेवलपमेंट का, इसमें कुछ डिसकंटिन्यूएशन नहीं होता,
कोई डोमेन्स नहीं होते, तो उन्होंने ये इंक्रीमेंटल स्टेजेस का आइडिया बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, और रादर उन्होंने ये बोला था ये अकर होती है थ्रू आउट लाइफ, पूरी लाइफ में होती रहती है, और हम एक्सपर्ट बनते जाते हैं जैसे जैसे हमें इन्फॉर्मेशन, हम नई इन्फॉर्मेशन लर्न करते हैं। स्टर्नबर्ग का मॉडल जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं करता बच्चे और एडल्ट्स की लर्निंग में, वो ये कहता है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का वो इनकॉर्पोरेट करता है एनी फैसेट्स ऑफ बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी उन्होंने बताया है इज व्यूड एज नोविस, नोविस मतलब नया, टू एक्सपर्ट प्रोग्रेशन मतलब जैसे जैसे आप हर चीज़ के लिए कोई नई चीज़ सीखते तो आप नए हैं, न्यू हैं उसके लिए, लेकिन आप धीरे धीरे जब और सीखते जाते हैं तो यू बिकम एक्सपर्ट। सो ये इस तरह से चलता है, कोई भी एज ग्रुप का बंदा इसी तरह से सीखेगा, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। डेवलपमेंटल चेंजेस जो हैं वो फीडबैक का रिजल्ट होती है, सेल्फ मॉनिटरिंग और ऑटोमेटाइजेशन का रिजल्ट होती है। तो इन्होंने बताया कि हम फीडबैक मैकेनिज्म से भी सीखते हैं, हमने कोई चीज की गलत आई तो फिर हम फिर से ट्राई करेंगे, सही आ गई तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। हम सेल्फ मॉनिटर भी करते हैं कि हम किसी चीज को कितने अच्छे से सीख रहे हैं, एंड देन ऑटोमेटाइजेशन, फिर अपने आप ही वो चीजें लाइन पे आ जाती हैं और हम करने लगते हैं। इन्होंने इंटेलिजेंस की भी बात की है, इंटेलिजेंस जो है ये थ्री काइंड्स की से बनी होती है, तीन तरह की चीजों से बनी होती है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट, थ्री काइंड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट से बनी होती है जो हमारी इंटेलिजेंस है, एक है मेटा कंपोनेंट, दूसरा है परफॉर्मेंस कंपोनेंट और तीसरा है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट। ये तीन तरह के इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंपोनेंट से हमारी इंटेलिजेंस बनी होती है, उसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है। स्टर्नबर्ग ने कहा है कि ये जो तीन कंपोनेंट है ये एक साथ काम करते हैं किसी की भी माइंड में, ये फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मेटा कंपोनेंट जो होता है ये एग्जीक्यूटिव होता है नेचर में, ये गाइड करता है हमें कैसे प्लान करना है और डिसीजन कैसे लेना है किसी प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में, और ये आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को और कनेक्ट करता है पुराने एक्सपीरियंस के साथ कि पुराना आपको क्या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आई है तो आपने कैसे डील किया था, तो ये सारी चीज़ें मेटा कंपोनेंट करता है इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का। फिर और कोई ये लेकिन एक्शन नहीं लेता, मेटा कंपोनेंट सिर्फ हमें रिकॉल कराता है, प्लानिंग करने में हेल्प करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है। फिर परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्म करना, ये एक्शन करता है कि पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या एक्शन लेना है वो परफॉर्मेंस कंपोनेंट करेगा, और ये मेटा कंपोनेंट से एक स्टेप आगे जाएगा और ये वेट करेगा कि इसके फायदे क्या होंगे और अगर हमने ऐसा किया तो इसका असर क्या होगा, इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, ये सब ये कंपेयर करेगा ऑप्शन। स्टर्नबर्ग ने थर्ड जो किया था वो किया था नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, ये वो कंपोनेंट है जो करेक्टराइज करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मतलब कि जो पुरानी चीज़ें हैं उन सबको रिकलेक्ट करके एक नया नॉलेज बेस तैयार करना शुरू कर देता है, और ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है और मे बी अभी की जो करंट की प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड ना हो। तो ये तीन कंपोनेंट हमने स्टर्नबर्ग के पढ़े इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के कंपोनेंट्स हैं, पहला क्या था मेटा कंपोनेंट था, दूसरा परफॉर्मेंस कंपोनेंट था और तीसरा नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट था। तो इन तीनों कंपोनेंट्स को यूज करके हमारी इंटेलिजेंस काम करती है। स्टर्नबर्ग ने एक और कंपोनेंट ऐड किया जिसको बोलते हैं फीडबैक कंपोनेंट, वो उन्होंने 1988 में किया था, और ये जो इसके तीन कंपोनेंट पहले के बताए हैं वो इन्होंने किए थे, अगेन इन्होंने कोई साल नहीं बताया है ना, जब इसमें इसी में ऐड कर लेते अगर सेम ही है 1988 है ये भी 1988 है। सो फोर्थ कंपोनेंट फीडबैक कंपोनेंट था जो इन्होंने अपनी बाद में थ्योरी में ऐड कर दिया था। सो इसमें ये जो इंडिविजुअल है वो उसका सोशल इंटरेक्शन कैसा है, उसका इम्पैक्ट कैसा रहा कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, सो ये सोशल इंटरेक्शन ने उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट डाला, वो फीडबैक मैकेनिज्म होता है। सो जो तीन पार्ट इन्होंने थ्योरी के बताए हैं उसके अलावा ये एक सब पार्ट है। सो ये इंटेलिजेंट बिहेवियर किस तरह से होगा सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट में, इसके बारे में इन्होंने बात करी है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज यूनिट 2 ऑफ एमपीसी 001। सो ये भी मैंने आज सेकेंड यूनिट ख़त्म कर दी है। आई होप यू एन्जॉयड लर्निंग विद मी। Thanks for watching my video. Do not forget to subscribe and share. Please share my videos with rest of the students. That would be very, very good since needy should be served.
और कोविड के टाइम पे तो हम एक दूसरे की हेल्प करके ही पॉजिटिव रह सकते हैं जिस तरह का माहौल चल रहा है. सो प्लीज़ डू नॉट हैसिटेट टू शेयर माई वीडियोज़ विद मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स सो दैट दे कैन गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन थ्रू माई वीडियोज़. डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल एंड डू लाइक एंड कमेंट बिलो द वीडियोज़. आई लव टू रीड योर कमेंट्स एंड अप्रिसिएशंस. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.